बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीकॉम पार्ट वन पेपर बीएमएस बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। चैप्टर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसका लेक्चर 3 है, लेक्चर नंबर 3, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। तो ये जो एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं, ये बेसिकली क्वेश्चंस डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद बोरा साहब की जो बुक है वहाँ से लिए हैं। और आज के लेक्चर में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 7, 8, 9 एंड 10। तो आए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट है, अ पेयर ऑफ अनबायस डाई इज टॉस्ड, कैलकुलेट वेरियंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर एक्स रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ डॉट्स ऑन द अपर फेस ऑफ डाइस। यानी कि सबसे पहले तो मैं सैम्पल स्पेस बनाता हूँ। अ पेयर ऑफ अनबायस डाई इज टॉस्ड, तो आपको पता है कि इसका जो सैम्पल स्पेस बनेगा उसमें 6 की पावर 2 यानी कि 36 वैल्यूज़ आएंगी, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस समझ लें आप। तो ये बनेगा, वैल्यूज़ आएंगी 1, 1, 1, 1, 2, इसी तरह 1, 3, 1, 4, 1, 5, फिर 1, 6, ओके, और फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 और 4, 1, 4, 2, 4, 3, इसी तरह हमने बनाते जाना है, ओके। 4, 5 और 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6 और 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 एंड 6, 6। तो इस तरह ये जो है 36 पॉसिबल केसेस बनेंगे। और इसमें हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाना है सबसे पहले, और उसके बाद वो उन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें सम ऑफ डॉट्स ऑन द अपर फेस ऑफ डाइस यानी कि कितना है। सम ऑफ डॉट्स 1+1, 2, 1+2, 3, तो मिनिमम वैल्यू जो सम ऑफ डॉट्स है वो 2 है और मैक्सिमम जो है वो 6+6, 12 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट एक्स बी सम ऑफ डॉट्स ऑन अपर फेस, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये जो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ है बेटा, वो बन सकती है 2, सम आ सकता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। अब इसका हमने सबसे पहले एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाना है, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो बनेगा यहाँ पर वो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो 6 - x - 7 mod over 36। जैसे यहाँ पर x जो है वो सम ऑफ डॉट्स है ना, x जो है वो सम ऑफ डॉट्स है हमारे पास। तो जब मैंने x की जगह पे 2 पुट करूँगा तो 2 - 7 - 5 - 5 का mod + 5, तो 6 - 5 1 1 over 36। तो देखें 2 के आने की जो प्रोबेबिलिटी है 1+1 2, तो ये 1/36 ही बनेगी ना। तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। और अब हमने इसका टेबल बनाना है, और ये देखिएगा टेबल मैं बनाता हूँ आपके सामने। सबसे पहले मैंने लिखा जी एक्स, और फिर एफ ऑफ एक्स या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, फिर एक्स पी ऑफ एक्स, और फिर एक्स स्क्वेयर पी ऑफ एक्स, क्योंकि वेरियंस फाइंड करना है। तो ये 4 कॉलम जो हैं वो हमने बनाने हैं,
इस तरह से। अब x जो है वो 2, 3, 4, 5, 6 जो सम ऑफ डॉट्स मैं वो लिख रहा हूँ 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ओके बेटा, अब देखिएगा पी ओ फैक्स यानी कि 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 ही है, यानी कि 1 + 1 = 2, तो ये आ जाएगा 1/36। 3 में देखें तो 1 और 2, 2/36। 4 में देखें तो 4 में 1, 2 एंड 3 आते हैं, 1 + 3 = 4, तो ये आ जाएगा 3/36। 5 में 1, 2, 3, 4, तो 4/36। 6 में देखें 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये आ जाएगा 5/36। 7 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आ जाएगा 6/36। तो इसको आपने कटिंग करके नहीं लिखना, इसी तरह से लिखते जाएं। तो 8 काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 8 जो है वो 5/36। 9 में 1, 2, 3, 4, 4/36। 10 में देखें 1, 2, 3, 3/36। 11 में 1, 2, 2/36 और 12 में आ जाएगा ये 1/36। ओके, ये हमने इसकी बेटा प्रोबेबिलिटी लिख ली है। अब दो कॉलम जो हमने लिखे हैं कि एक्स पी ओ फैक्स, इसको मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ आप, 2/36, 6/36, 12/36, इसी तरह 20/36, 6/5 = 30/36, 7/6 = 42/36, 8/5 = 40/36, 9/4 = 36/36, 10/3 = 30, 11/2 = 22, 12/1 = 12/36। तो अब बेटा इन सब को ना आप जब ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ न्यूमिरेटर वाली वैल्यूज़ को ऐड करो, तो इसका जो सम है समिशन एक्स पी ओ फैक्स का, ये हमारे पास आ रहा है 36 जो है ये आ रहा है 252/36। इन सब को ऐड करें। अब एक्स स्केयर पी ऑफ एक्स के लिए हम जो एक्स पी ऑफ एक्स वाली वैल्यूज़ हैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा बनेगी 4/36, 6/3 = 18/12, 4/48, 25/100, 36/180, इसी तरह 42 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा 294, 48/320, 36 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 324, 36 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 300/36, 30 × 10 = 300/36, 324 के बाद 300 और ये आ जाएगा 36 को 9 से मल्टीप्लाई किया है तो ये बनेगा 242। तो ये कैलकुलेशन जो है वो आप खुद भी देख सकते हैं। फिर 300 आ जाएगा, ठहरे 324, 320 के बाद 324, 324 के बाद 300, 300 के बाद आना है 242 और 242 के बाद आना है 12/12 = 144। ठीक है बेटा, अब इन सब को हमने जब ऐड किया तो सिर्फ न्यूमिरेटर वाली वैल्यूज़ को ऐड करें तो ये आ जाएगा 1974/36। अब क्योंकि हमने वेरिएंस फाइंड करना है, उन्होंने बोला है कि कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू भी चाहिए, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू होते समिशन एक्स पी ओ फैक्स, तो ये आ जाएगा 252/36। इसको सॉल्व कर लें तो ये बनता है 7। इसके बाद हमने फाइंड करना है एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो ये इक्वल होता है समिशन एक्स स्क्वेयर पी ओ फैक्स इज इक्वल टू 1974/36। ओके, अब फार्मूला लगा दें जी, वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स वैल्यूज। तो डायरेक्ट आप ये भी फार्मूला लगा सकती हैं, समिशन एक्स स्क्वेयर पी ओ फैक्स माइनस समिशन एक्स पी ओ फैक्स का होल स्क्वेयर। ठीक हो गया,
अब इसकी जगह पे लिखते हैं 197 4 ओवर 36 माइनस, और इसकी जगह पे लिखते हैं 7 का स्क्वेयर, और इसको सॉल्व कर लें सारे को तो ये बन जाएगा 5.83 5.83। तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, ये कंप्लीट होता है। ओके, इसको अच्छे से आपने प्रैक्टिस करना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट है आपके सामने लिखी हुई कि इट इज़ बिलीव दैट एवरी फिफ्थ स्टूडेंट इज़ अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम इन मैट्रिक इन कंपैरिजन ऑफ कंपोजिट एग्जामिनेशन सिस्टम। यानी कि कंपोजिट एग्जामिनेशन क्या होता है, दोनों सालों के इकट्ठे पेपर होते हैं, उनके मुकाबले में जो एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम है उसका डिसीजन के ख़िलाफ़ जो है हर 5 में से जो एक स्टूडेंट है वो उसके अगेंस्ट है। एवरी फिफ्थ स्टूडेंट इज़ अगेंस्ट द डिसीजन, यानी कि फर्स्ट 4 स्टूडेंट के बाद जो फिफ्थ नंबर पे स्टूडेंट है वो इसके अगेंस्ट है, फिर 4 स्टूडेंट छोड़ के जो 10th नंबर पे आएगा स्टूडेंट वो भी इसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट द डिसीजन है। तो इसमें जब इस तरह का फेवर और अगेंस्ट की बात करें तो हमेशा हमने जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाना है वो बाइनोमियल थ्योरम की जो जनरल टर्म है उसकी हेल्प से हमने बनाना है। तो मैं यहाँ पे इसका सलूशन लिखता हूँ, तो देखिएगा कि प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज़ अगेंस्ट द डिसीजन। तो जब ये अगेंस्ट द डिसीजन है तो मैं इसको कह देता हूँ कि ये पी की वैल्यू है 1/5, हर फिफ्थ स्टूडेंट जो है वो अगेंस्ट द डिसीजन है, तो इसलिए ये 1/5 है। अब फेवर क्या होगा, ये तो अगेंस्ट है, तो डिसीजन के फेवर में यानी कि फेवर ऑफ द डिसीजन में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं होंगे, तो प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज इन फेवर ऑफ डिसीजन इन फेवर ऑफ डिसीजन। तो ये बेटा 1 में से, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होती है, तो 1 में से हम 1/5 को माइनस कर देंगे, तो जो 4/5 प्रोबेबिलिटी है ये फेवर ऑफ डिसीजन की है। अब यहाँ पर अब हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है जी, ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, तो ये बनेगा पी ऑफ एक्स कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स एन सी एक्स। अब जो अगेंस्ट है उसको पहले लिख लेते हैं पी की पावर एक्स, और क्यू फेवर वाला जो है क्यू एन माइनस एक्स, इसको हम पहले भी लिख सकते थे, पी बाद में भी लिख सकते थे। तो ये जो है ना बेटा ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन गया। अब यहाँ पर टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 6, यहाँ पर देखें 6 स्टूडेंट्स इज टेकन, यहाँ पे आ जाएगा 6 सी एक्स, पी की वैल्यू लिखेंगे 1/5 की होल पावर एक्स, और क्यू की जगह पे लिखेंगे 6 माइनस एक्स, ठीक हो गया। अब ये बेटा जो है ना क्यू की वैल्यू भी लिखनी थी हमें, क्यू की वैल्यू बन जाएगी 6 सी एक्स 1/5 की पावर एक्स, और 4/5 की पावर जो है वो 6 माइनस एक्स। तो ये जो है बेटा प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारे पास बन गया। ओके, अब उन्होंने कहा है नंबर 1 पे ओनली 1 स्टूडेंट इज़ अगेंस्ट द डिसीजन, तो एक्स की जगह पे 1 पुट कर देंगे। फिर इसी तरह सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा ज़रा, फर्स्ट पार्ट है ओनली 1 स्टूडेंट इज अगेंस्ट द डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने x की जगह पे 1 पुट कर देना है, तो ये बन जाएगा p ऑफ x इक्वल टू 1 6 c 1 1/5 की पावर 1 4/5 की पावर 6 माइनस 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 c 1 की वैल्यू जो है वो 6 ही आएगी, तो इस तरह से आपने ये लिखनी है वैल्यू 6, ये आ जाएगा 1/5, और 4/5 है तो 4 की पावर 5 जो है ये बनेगा
1024 और 5 की पावर 5 जो है ये आ जाएगा 3125। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 1024 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये बन जाएगा 6144 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 3125, तो ये आ जाएगा 15625। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 6144 डिवाइड बाय दिस, तो मज़ीद कटिंग नहीं हो रही, डेसिमल में लिखना है तो डेसिमल में लिख लें 0.3932, या ऐसे भी छोड़ दें तो ठीक है। अब चलते हैं जी सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट जो है हमारे पास वो है 3 or more students are against the decision। अब 3 or more students का मतलब है कि इसको वो इस तरह से भी पूछ सकता था कि, या और करके मैं लिख देता हूँ कि at least three students, ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा, तो x is greater and equal to 3, ओके, इस तरह से भी वो पूछ सकता था। तो x is greater and equal to 3 के लिए हम सबसे पहले 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि equal to 3 भी है, फिर x is equal to 4, फिर x is equal to 5, और फिर लिखेंगे x is equal to 6, ओके बेटा। अब ये वाली वैल्यूज़ जो हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन में हम पुट करते जाएंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। ये बन जाएगा 6c3, 1/5 की पावर 3, 4/5 की पावर 6-3, इसी तरह 6c4, 1/5 की पावर 4, 4/5 की पावर कितनी बनेगी, 4/5 की पावर आ जाएगी हमारे पास 6-4 प्लस 6c5, 1/5 की पावर 5, 4/5 की पावर आ जाएगी 6-5 प्लस 6 के लिए x की वैल्यू 6 के लिए 6c6, 1/5 की पावर 6 एंड 4/5 की पावर 6-6, ऐसे ही है, इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी। 6c3 जो है इसकी वैल्यू लिखते हैं, 6c3 तो ये आ जाएगा 20 into 1/125 और 4 की पावर 3। आप डायरेक्ट भी इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 64/5 की पावर 3, 125, ओके। इसके बाद 6c4 की वैल्यू जो है ये आ जाएगी हमारे पास बेटा 15 into 125, मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो 1/625, और ये आ जाएगा बेटा 16/25 प्लस 6c5 जो है मेरा ख्याल है कि आएगा 6, और 625 को मज़ीद हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3125, और ये आ जाएगा 4/5। 6c6 जो है बेटा 1 होता है, और इसको मल्टीप्लाई बाय 5 मज़ीद करें तो ये बन जाएगा 15625, और 4/5 की पावर 0 जो है ये 1 आ जाएगा। इसको बेटा सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 64, 1280 डिवाइड बाय 125, कैलकुलेशन है 15625। इसके बाद ये बन जाएगा 240/15625, और ये आ जाएगा 6 4s are 24 एंड 15625 प्लस, और ये आ जाएगा 1/15625, ठीक है बेटा। अब इन सब को आप ऐड करो तो ये 1545 डिवाइड बाय 15625 आ जाएगा, जो कि 0.10 के इक्वल है, ओके। और यही इसका आंसर है सेकंड पार्ट का। ऐसे ही है, समझ आ रही है आप लोगों को, बोर तो नहीं हो रहे, ओके जी, नहीं हो रहे, क्या बात है जी, क्या बात। लो जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। तो इसका थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट है not more than two students are against
अब इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता था कि, और करके मैं लिखता हूँ कि एट मोस्ट टू स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। एट मोस्ट स्टूडेंट्स का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा टू या टू से कम, एक्स इज़ लेस एंड इक्वल टू टू बेसिकली, ठीक है जी। अब इसमें जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो तीन पॉसिबिलिटीज बनेगी, कौन कौन सी बनेगी वो मैं लिखता हूँ आपके सामने। यानी कि ज़ीरो स्टूडेंट मीन्स कोई भी स्टूडेंट नहीं है, लेस देन टू में तीन पॉसिबिलिटी बनेगी, ज़ीरो वन एंड टू, ज़ीरो वन एंड टू, ओके। अब इसमें बेटा हम फार वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 6C0, 1/5 की पावर 0, 4/5 की पावर 6-0 प्लस 6C1, 1/5 की पावर 1, 4/5 की पावर 6-1 प्लस 6C2, 1/5 की पावर 2 एंड 4/5 की पावर 6-2। अब इसको बेटा सॉल्व करते हैं इस सारे को, तो ये बन जाए 6C0 जो है 1 होता है, 1/5 की पावर 0 भी 1 होगा, 4 की पावर 6 जो है ये आ जाएगा 4096 और 5 की पावर 6 जो है ये आ जाएगा 15625 प्लस 6C1 की वैल्यू होती है 6, 1/5 एज इट इज़ आ जाएगा, और 4 की पावर जो है हमारे पास 5, ये क्या बनेगी, 4 की पावर 5 बन जाएगा 1024 डिवाइड बाय 5 की पावर 5 जो है याद है 3125 प्लस 6C2 की वैल्यू आती है 15, ये आ जाएगा 1/25 और 4 की पावर 3 होता है आपको पता है 64 और 5 की पावर 3 125। इस सारे को बेटा मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4096 डिवाइड बाय 15625 1024 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो ये आ जाएगा 6144, 3125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15625 बेटा, 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो ये आ जाएगा 960/125 मल्टीप्लाई बाय 25 तो ये आ जाएगा बेटा 15625, ओके। अब इन सब को आप ऐड करो, 3125 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो ये आता है, और 125 को मल्टीप्लाई करें 25 के साथ तो यहाँ पे एक मिनट ये गलती हो रही है, ये 6-2 जो है 4 होता है ना, तो 4 की पावर हमने 4 लेनी थी, 4 की पावर 4 आएगी 256, यहाँ पे 256 आना है, और 5 की पावर 4 जो है ये गलती हो रही थी, ये 625 आएगा। अब 256 को बेटा मल्टीप्लाई किया मैंने 15 के साथ तो ऊपर आ जाएगा ये 3840 और 625 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 15625। अब इन सब को हम ऐड करते हैं बेटा, कैलकुलेशन है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, 15625 तो इसका आंसर आ जाएगा 0.90 बेटा, 0.90, तो ये इसका थर्ड पार्ट था, ओके। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट पढ़िएगा कि अ बैग कंटेन्स 3 रेड 2 येलो एंड 5 ऑरेंज बॉल्स, 3 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वेयर एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ येलो बॉल्स, आल्सो कैलकुलेट एक्सपेक्टेड ऑफ वैल्यू एंड वेरियंस ऑफ एक्स, ठीक है जी। अब इसमें देखें तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको बेटा हम लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या है जी, रेड बॉल्स 3 हैं, और उसके बाद येलो बॉल्स जो हैं वो 2 हैं, और ऑरेंज बॉल्स जो हैं वो हैं जी 5। 3 बॉल्स आर ड्रॉन,
हर दफ़ा जो है ना थ्री बॉल जो हैं वो ड्रा करनी है। थ्री बॉल्स आर ड्रान, टोटल कितने हो गए? 10 है, टोटल बॉल जो हैं वो 10 हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, लेट एक्स बी नंबर ऑफ येलो बॉल्स। सबसे पहले लेट एक्स बी नंबर ऑफ येलो बॉल्स। तो यहाँ पर येलो बॉल जो हैं, क्योंकि हमने थ्री बॉल सेलेक्ट करनी है और येलो तो बेसिकली टू हैं, या तो हम नहीं सेलेक्ट करेंगे ज़ीरो, मतलब तो कोई बॉल नहीं है, फिर वन एंड टू, टू से ज़्यादा तो नहीं हम सेलेक्ट कर सकते, टू से ज़्यादा येलो बॉल्स तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मैक्सिमम बॉल्स हैं ही टू। ओके, अच्छा जी, अब हमने बनाना है इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन देखिएगा बेटा, ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, रैंडम वेरिएबल एक्स, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। देखिए, जब मैंने टू येलो बॉल सेलेक्ट की तो एक्स जो हैं वो टू में से, अगर मैं एक्स बॉल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो बाकी कितनी बच गई बॉल्स? एट। और इधर टोटल बॉल जो है ना मैंने थ्री सेलेक्ट करनी है, तो थ्री माइनस एक्स आ जाएगा। ओवर टेन में से मैंने थ्री सेलेक्ट की है, यानी कि डिनोमिनेटर में तो टोटल लिखते हैं ना, टोटल टेन बॉल्स में से हमने थ्री सेलेक्ट की हैं डिनोमिनेटर में, और लेकिन ऊपर टू येलो बॉल्स में से मैं ज़ीरो सेलेक्ट करूँगा, वन एंड टू, तो टू सी एक्स सेपरेट कर लिया। फिर उसके बाद टू सेलेक्ट हो रही हैं तो टू के बाद एट रह गई, तो एट सी और नीचे थ्री माइनस एक्स आ जाएगी। अब बेटा ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन गया। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है एक्स की, तो ये आ जाएगा सबसे पहले एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, फिर आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू वन, और फिर एक्स इज़ इक्वल टू टू। एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो के लिए लिखेंगे टू सी ज़ीरो, एट सी थ्री माइनस ज़ीरो ओवर टेन सी थ्री की वैल्यू लिख लेते हैं कैलकुलेटर से, तो ये बन जाएगी 120। इसको सॉल्व कर लेते हैं, टू सी ज़ीरो जो है ये 1 होता है, और 8C3 जो है ये 56 आ जाएगा ओवर 120, तो ये बन जाएगा 56 ओवर 120। इसके बाद 1 येलो बॉल सेलेक्ट करेंगे तो 2C1 और 8C3 माइनस 1 ओवर 120। इसको आप सिंपलीफाई करो तो 2C1 2 आ जाएगा, और 8C2 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, 8C2 बेटा आता है 28 ओवर 120, तो ये भी बन जाएगा 56 ओवर 120। जब टू बॉल्स येलो सेलेक्ट की तो 2C2, और ये आ जाएगा 8C3 माइनस 2 ओवर 120, तो 2C2 1 होता है, और 8C1 जो है मेरा ख्याल है कि 8 होगा ओवर 120, तो ये बन जाएगा 8 ओवर 120 बेटा, ठीक है, समझ रहे बात आप। अब चलते हैं जी, इसका हम बनाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन टेबुलर फॉर्म उन्होंने बनाते हैं हम, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो सबसे पहले देखिएगा एक्स की वैल्यू लिखी, फिर पी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखता हूँ मैं, ज़ीरो वन एंड टू के लिए, ठीक है, पी ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है तो पी ऑफ एक्स हमारे पास है 56 ओवर 120, एक्स की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू हाई है 56 ओवर 120, और 2 के लिए जो है वो 8 ओवर 120। अब हमने कॉलम बनाना है एक्स पी ऑफ एक्स, और फिर कॉलम बनाना है एक्स स्क्वेयर पी ऑफ एक्स, ठीक है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करें 0, 56 ओवर 120, 8 टू ज़ार 16 ओवर 120, फिर इसको दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो, क्योंकि एक्स स्क्वेयर चाहिए, इसको मल्टीप्लाई किया तो 56 ओवर 120, और फिर 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 ओवर 120। अब देखिए बेटा, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है जी, समेशन एक्स पी ऑफ एक्स, इनको ऐड करो 16 प्लस 56 तो ये आ जाएगा 72 ओवर 120। मजीद हम इसको डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, 0.6 लिख लें।
इसके बाद एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वेयर की वैल्यू समीशन एक्स स्क्वेयर पी ऑफ एक्स, तो ये बन जाएगा 88/120। अब फार्मूला लगाते हैं बेटा, वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वेयर पी ऑफ एक्स माइनस समीशन एक्स पी ऑफ एक्स, तो इसकी जगह पे लिखेंगे हम 88/120 माइनस 0.60। इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 0.37। तो ये इसका आंसर है, समझ रहे बात आप। अब इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ये दोबारा देख लें एक दफ़ा अच्छे से देख लें इसको। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो बनाना मुश्किल है, बाकी तो यानी कि टेबल बनाएं और वैल्यूज पुट कर लें। सॉरी अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखें तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन उन्होंने दिया हुआ है, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं इसमें जो x की वैल्यू है वो पुट करता जाता हूँ, 5c x 16/16। तो जब मैंने x की जगह पे 0 पुट करूँगा तो 5c 0/16, तो ये आ जाएगा 1/32। फिर x की जगह पे 1 पुट करना है, फिर x की जगह पे 2 पुट करना है, ये x की वैल्यूज़ जो हैं वो दी हुई हैं। फिर x की जगह पे 4 और फिर x की जगह पे आपने 5 पुट करना है, ठीक है बेटा। ये आ जाएगा 5c 1/16, 5c 1 की वैल्यू जो है वो होती है 5/32। फिर आ जाएगा 5c 2/16, तो ये आ जाएगा 10/32। फिर बनेगा 5c 3/16 हमारे पास 5c, हमारे पास जो ये क्वेश्चन है 5c x/32 है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है ये 32 है। मैं बुक से कंफर्म कर लेता हूँ ताकि इसमें हमार मिस्टेक ना हो। हाँ, 5c x/32 है, ओके। तो 32 लिखते जाए, 32, ठीक है। तो 5c3 की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी, 10/32। इसी तरह 5c4/32, 5c4 5 होता है, 5/32। फिर 5c5/32, तो 1/32, ओके। तो इस तरह से ये हमने उसकी वैल्यूज़ जो हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन में एक्स की वैल्यूज़ पुट करके हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब जो है इसका हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले मैं x की वैल्यू लिखता हूँ, फिर पी ऑफ x की वैल्यू लिखता हूँ, फिर x पी ऑफ x की वैल्यू लिखता हूँ, और फिर एक्स स्क्वेयर पी ऑफ x की वैल्यू लिखते हैं जी। x की वैल्यू है जी 0, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। और पी ऑफ x की वैल्यू जो है सबसे पहले 0 के लिए 1/32, फिर 5/32, फिर 10/32, ये आपके सामने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, यही लिखते जाने हैं। 10/32, 5/32, फिर 1/32। अब इसको आप मल्टीप्लाई करते जाएं, 0, 5/32, फिर 20/32, 30/32, फिर 20/32, फिर 5/32। ये सब का सम निकालें तो ये बेटा बन जाएगा 80/32। फिर x पी ऑफ x वाले कॉलम को दोबारा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वेयर बन जाएगा 5/32, 22s are 40/32, 90/32, 20 × 4, 80/32, 5 5s are 25/32, तो ये बेटा बन जाएगा 240/32, इसका सम जो है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का जो फार्मूला होता है समीशन x स्क्वेयर पी ऑफ x माइनस समीशन एक्स पी ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर एंड होल स्क्वेयर रूट होता है। बेसिकली जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये वेरियंस का स्क्वेयर रूट होता है। तो वैल्यूज़ पुट की बेटा 240/32 माइनस 80/32 का होल स्क्वेयर, इस सारे को आप सिंप्लीफाई करो तो आंसर जो है वो 1.12 आ रहा है। तो इस तरह जी हमारे ये 4 क्वेश्चन जो हैं वो कम्प्लीट होते हैं। तो इसको आपने पढ़ना है, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने लाजमी जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, और जो स्टूडेंट ये फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करें।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़ बेटा।